हिंदू नववर्ष एवं नव संवत्सर के पावन अवसर पर श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर में चैत्र नवरात्रि का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। मंदिर परिसर में माता के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित कर जवारे वाने के साथ माता का भव्य और दिव्य श्रृंगार कर भोग लगाया गया। प्रथम दिवस पूजन की पावन बेला में दुर्गा पाठ और शाम को महिलाओं द्वारा माता के सुंदर सुंदर भजन गाए गए। वहीं रात्रि हवन और मंत्र जाप किया गया। समूचा श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर का भक्तिपूर्ण वातावरण भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जहां माता के भक्त सुबह शाम आकर भक्ति कार्य में शामिल होकर माता की आराधना कर रहे हैं। देखिए शाम के वक्त महिलाओं द्वारा प्रस्तुत माता के प्रिय भजनों की एक झलक। भजनों की श्रृंखला के उपरांत माता की भव्य आरती की गई। श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर के महंत सुनील वशिष्ठ जी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। यमुना तट पर स्थित होने के साथ मंदिर के सामने बनी गौशाला सभी को गौमाता की सेवा का लाभ दे रही है। वहीं मंदिर में स्थापित विग्रहों के दर्शन मन को आत्म शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारा मंदिर महाकालेश्वर महादेव मंदिर यमुना तट पर स्थित है और दयालबाग में आता है। यहाँ आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार हमारे दिल्ली के निवासी हैं विजय अरोड़ा जी, उन्होंने सभी देवताओं के पुष्प अर्पण किए हैं। 41 यहाँ पे जोत जली हैं। सभी भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं की जोत जलाई है। प्रातःकालीन से ही पूजन चल रहा है। 12 बजे से 5 बजे तक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ दुर्गा सरस्वती का पाठ चल रहा है। 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक माताओं बहनों द्वारा बहुत सुंदर माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए भजन गा रही हैं। 7:30 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक रात्रि का हवन है। प्रतिदिन का नित प्रति यहाँ हमारे यहाँ ऐसा एक कार्य चलता है। बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में नव संवत मनाया जा रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ संवत है। आज मंगलवार का दिन है, जो सभी के जीवन में मंगल की कामनाओं को देने वाला, मंगल ही करने वाला। हनुमान जी का भी विशेष आशीर्वाद रहेगा और माता जी का, दोनों का आशीर्वाद जहाँ हो वहाँ तो साल संवत 2081 बहुत ही आनंदमय रहेगा, क्योंकि मंगल से शुरू हुआ है। मंगल को अष्टमी है, मंगल को ही हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार सब जितने पर्व हैं सभी मंगल के ही हैं। तो हमारी तरफ से आचार्य पंचमी वशिष्ठ जी की ओर से सभी भक्तों को नव संवत की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सभी के जीवन में आनंद ही आनंद हो, मनोसाहितकार हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, सभी के संकट दूर हो। जय माता दी।